हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसर एंड सो गाइस। आज मैं बताऊंगा 20,000 के अंदर मिलने वाले कुछ मोटो ब्रांड फोन के बारे में, जिसमें आपको 5G की सपोर्ट मिल जाएगा एंड इसमें आपको बढ़िया प्रोसेसर भी मिल जाएगा एंड इसकी बैटरी देखा है तो आपको इसमें बढ़िया बैटरी भी मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो पे जुड़े रहना और चैनल पे जो भी नया हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे तो ये तीनों फोन ही बेस्ट है, लेकिन मैंने इस तीन फोन को 3 रैंक दिया है। सो गाइस, ये तीनों फोन बढ़िया रहेगा एंड वीडियो पे जुड़े रहना। नंबर 3 पे जो हमने फोन रखा है, उस फोन का नाम है मोटोरोला G62 5G। गाइस, इसके डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। बात करें इस फोन के ब्राइटनेस के बारे में तो इसमें आपको 3800 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगा। सो गाइस, इसकी डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो गाइस, बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, जो बढ़िया होता है एंड इसका अंतर्गत स्कोर की बात करें तो आपको अराउंड 6 लाख के आसपास मिल जाएगा एंड इसमें आपको 2D कूलर सिस्टम अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस, इसके परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा एंड गेमिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। सो गाइस, नॉर्मल गेमिंग के लिए ये फोन आप ले सकते हो। बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ तो मोटो में जो आपको कैमरा मिलता है वो बढ़िया कैमरा मिल जाता है। सो गाइस, इसके रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, जिनमें से 50 MP प्राइमरी कैमरा प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा प्लस 2 MP माइक्रो कैमरा। इससे आप 2K 30fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड इसकी फ्रंट कैमरा देखा जाए तो फ्रंट में आपको 60 MP बॉन कैमरा मिल जाएगा, जो आपको 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। सो गाइस, इसके कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहे। इसके बैटरी की तरफ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगा, जो चार्ज करने के लिए आपको लगभग 33W की फास्ट चार्जर मिल जाएगा एंड ये चार्जर आपको बढ़िया चार्ज दे देगा। सो गाइस, इसकी बैटरी लाइफ भी बहुत ही बढ़िया रहेगा एंड इसमें आपको 5G की सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल देखा है तो ये फोन बहुत ही बढ़िया रहेगा एंड इसके फाइनल प्राइस की तरफ बढ़ते हैं तो आपको 6GB रैम एंड 128GB रोम के लिए 50,500 rupees देना है एंड इसमें आपको बैक ओवर अवेलेबल मिल जाएगा। सो गाइस, ये फोन आप फ्लिपकार्ट से जाकर बाय कर सकते हो। गाइस, नंबर 2 पे जो हमने फोन रखा है, उस फोन का नाम है मोटो G73 5G। इसकी डिस्प्ले देखा है तो इसमें आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा एंड इसमें आपको 3800 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगा, जो आपको आउटडोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो गाइस, इसके डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको Dimensity 930 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो खराब नहीं होता है एंड इसके अंततः स्कोर में बात करें तो आपको अराउंड 7 लाख के आसपास मिल जाता है। सो गाइस, इसके अंततः स्कोर एंड प्रोसेसर की तरफ देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसके रियर कैमरा देखा जाए तो इसके रियर पे आपको 50 MP प्राइमरी कैमरा प्लस 8 MP अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा एंड उसके साथ आपको माइक्रो कैमरा भी मिल जाएगा। सो गाइस, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है एंड इसके फ्रंट कैमरा देखा जाए तो फ्रंट में आपको 60 MP फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो सेल्फी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगा एंड इसको चार्ज करने के लिए आपको 33W की चार्जर मिल जाएगा। सो गाइस, इसके बैटरी लाइफ बहुत ही बढ़िया रहेगा एंड इसमें आपको 5G के साथ साथ डुअल सिम सपोर्ट भी मिल जाएगा। सो गाइस, ये फोन बहुत ही बढ़िया रहेगा। फाइनली इसके प्राइस की अगर बात करें तो आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम के लिए 70,000 rupees देना है एंड इसमें आपको बैक ओवर मिल जाएगा। सो गाइस, इसके ओवरऑल देखा है तो इसमें आपको बढ़िया बढ़िया फैसिलिटी मिल जाएगा एंड ये फोन में आपको बढ़िया प्रोसेसर मिल जाएगा, उसके साथ साथ कैमरा भी मिल जाएगा। सो गाइस, ये फोन आप ले सकते हो। गाइस, अगर आपके बजट 20,000 से ऊपर हो एंड इसके अंदर आपको एक बढ़िया मोटो फोन चाहे तो आप ये फोन से ट्राई कर सकते हो। इस फोन का नाम है मोटो G82 5G। इसकी डिस्प्ले देखा है तो इसमें आपको बढ़िया डिस्प्ले मिल जाएगा, इसमें आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस पीओलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया होता है एंड इसमें आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। बात करें इस फोन के ब्राइटनेस के बारे में तो इसमें आपको 3800 निट्स के ब्राइटनेस मिल जाएगा, जो आपको आउटडोर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो गाइस, ओवरऑल देखा है तो इसके डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। बढ़ते हैं इसके कैमरा की तरफ तो इसके रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाएगा, जिनमें से 50 MP प्राइमरी कैमरा प्लस 8 MP अल्ट्रा कैमरा प्लस 2 MP माइक्रो कैमरा। सो गाइस, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहेगा एंड इसमें आपको 6 MP फ्रंट कैमरा मिल जाएगा एंड इसमें आपको बढ़िया तरीके से सेल्फी भी ले सकते हो। सो गाइस, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर मिल जाएगा एंड इसका अंतर्गत स्कोर में बात करें तो आपको अराउंड 5 लाख के आसपास मिल जाएगा। सो गाइस, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। फाइनली इसके प्राइस की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको 8GB रैम एंड 128GB रोम के लिए 21,500 rupees देना है एंड इसमें आपको बैक ओवर मिल जाएगा। सो गाइस, ये फोन आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बढ़िया कैमरा, उसके साथ साथ बढ़िया बैटरी एंड बहुत ही बढ़िया आपको डिस्प्ले क्वालिटी मिल जाएगा। सो गाइस, ये फोन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। गाइस, इस तीनों फोन में आपको कौन सा फोन बेस्ट लगा कमेंट में जरूर बताना और आपके पास कौन सा फोन है कमेंट में जरूर बताना और चैनल पे जब भी नए हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।